दोस्तों, अमेरिका ने भारत को खुश करने के लिए अब एक काफी बड़ा कदम उठा लिया है, जिसके तहत अमेरिका ने भारत को एक ऐसी लिस्ट से बाहर कर दिया है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और स्थिरता को साफ तौर पर दर्शाता है। साथ ही इससे भारत और अमेरिका के संबंध भी आगे जाकर मजबूत हो सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अमेरिका ने इस कदम को अपने ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन के भारत दौरे के केवल कुछ घंटों बाद ही लिया है, जो कि इस फैसले को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। साथ ही इससे इस बात का भी पता चलता है कि भारत और अमेरिका आर्थिक मोर्चों पर एक साथ मिलकर काफी तेजी से काम कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आखिरकार अमेरिका ने 2 साल के बाद भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर हो जाना भारत के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रा पहले के मुकाबले ज्यादा स्थिर और मजबूत हुई है, जिसकी वजह से अमेरिका को अब भारत के ऊपर नजर रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। भारत के अलावा अमेरिका ने इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को भी अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। और अब फिलहाल विश्व के 7 देश, जिनमें चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान शामिल हैं, ये देश अभी भी अमेरिका की करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में बरकरार है। वहीं इसके साथ ही ये कदम चीन को भी अमेरिका का दिया गया एक काफी बड़ा झटका है। लेकिन ये समझने के पहले कि अमेरिका का ये कदम चीन को इतना बड़ा झटका क्यों है, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट क्या है। तो दोस्तों, अमेरिका का करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट एक ऐसी सूची है जिसके तहत अमेरिका अपने महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार देशों की अर्थव्यवस्था और मुद्रा के साथ साथ उनकी आर्थिक नीतियों पर काफी कड़ी निगरानी रखता है, जिससे उसे अंदाजा होते रहता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था और मुद्रा कितनी स्थिर है और कितनी नहीं। साथ ही करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट अमेरिका को फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करने और कई दूसरी महत्वपूर्ण मुद्रा से जुड़ी जानकारियों को हासिल करने में मदद करती है। इसीलिए अमेरिका अपने कुछ सबसे अहम आर्थिक साझेदार देशों को ही करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में शामिल करता है, जिसके तहत भारत इस लिस्ट का हिस्सा लगभग 2 साल से बना हुआ था। यानी कि पिछले 2 सालों से अमेरिका भारत की आर्थिक नीतियों, मुद्रा और अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर काफी कड़ी नजर बनाए हुआ था। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था के मुकाबले काफी ज्यादा सुरक्षित और स्थिर है, साथ ही भारत की मुद्रा भी दूसरे देशों के मुकाबले काफी स्थिर है, तो अमेरिका ने इस बात का फैसला लिया है कि अब वह भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर देंगे। लेकिन क्योंकि चीन अभी भी इस लिस्ट में बरकरार है, इसीलिए अमेरिका की तरफ से चीन को दिया गया एक काफी बड़ा झटका है, क्योंकि इससे ये बात साबित हो जाती है कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को जितना बढ़ा चढ़ाकर बताता है, असल में उसके मुकाबले वह काफी कम है और चीनी अर्थव्यवस्था मौजूदा समय में कुछ खास स्थिर भी नहीं है, जो कि चीन के लिए काफी बुरी खबर है। वहीं पर अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने अपने भारत दौरे के दौरान ये बात भी साफ तौर पर कही है कि अमेरिका भारत के साथ मजबूत संबंध चाहता है, ताकि अर्थव्यवस्था के मामले में दोनों देश काफी तेजी से काम कर सके। वहीं अमेरिका अपनी सप्लाई चेन और आर्थिक निर्भरता को चीन जैसे देशों के पंजों से आजाद करा पाए। मौजूदा समय में जहां एक तरफ अमेरिका और रूस के बीच में विवाद काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है, वहीं पर चीन और अमेरिका के बीच का टेंशन भी किसी से छुपा नहीं है। वहीं इस टेंशन को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के लिए अपनी सप्लाई चेन और आर्थिक निर्भरता को चीन जैसे देशों की तरफ से हटाकर भारत जैसे अलाई कंट्रीज की तरफ शिफ्ट करना काफी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ समय में भारत और अमेरिका की इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन काफी तेजी से बढ़ी है, जिसके तहत अमेरिका की कई कंपनी भारत के अंदर लगातार निवेश कर रही है और भारतीय प्राइवेट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और जॉइंट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिससे भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से लिंक हो जाएगी और दोनों देश काफी तेजी से विकास कर सकेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ पिछले कुछ समय में भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफी परेशानियां भी आई है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक समीकरणों की वजह से भी दोनों देशों के बीच में विवाद हुआ और कई मुद्दों को लेकर असहमति भी आई है। लेकिन इस बात से बिल्कुल भी इंकार नहीं किया जा सकता कि चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर है, चाहे हम बात कर ले अर्थव्यवस्था की या फिर तकनीक के मामले में, क्योंकि अमेरिका के पास वह इंडस्ट्रियल बेस और सप्लाई चेन है जिससे भारत को काफी फायदा हो सकता है। साथ ही अमेरिकी प्राइवेट कंपनियों के पास जो तकनीक मौजूद है, उसे अगर भारत तक पहुंचाया जाता है तो इससे भारत को भी काफी फायदा हो सकता है। वहीं ऐसे में भारत अमेरिका का महत्व अच्छे से समझता है, जिस वजह से अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए दोनों देश काफी सक्रियता से काम कर रहे हैं। हालांकि अभी भी भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ परेशानियां जरूर है, लेकिन क्योंकि दोनों ही देश सक्रियता से कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर काम कर रहे हैं, इसीलिए इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि परेशानियों को जल्दी हल कर लिया जाए और भारत अमेरिका एक साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत 2 नेशन ब्लॉक के तौर पर सामने आए। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों के रिलेशन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।